अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आर एस मेडिकल चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खरीदते होंगे। अगर आप आर्मी जॉइनिंग प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से एडमिशन डिटेल और स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपको नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जो एडमिशन है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है, उसका मुकम्मल प्रोसीजर आज की वीडियो में हम बताएंगे उसकी रैंकिंग, ठीक है, और डिग्री प्रोग्राम जो ऑफर होते हैं, एडमिशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। 1965 में इसको UET से एफिलिएट किया गया और 2002 में 15 नवंबर 2002 में इसको जो है ना नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसकी जो HEC की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में ये नंबर वन यूनिवर्सिटी है, और ओवरऑल अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है 2016 की HEC की रैंकिंग में। डिग्री प्रोग्राम जो ऑफर होते हैं BSc टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉलीमर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, बैचलर ऑफ A&M डिजाइनिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS टेक्सटाइल एंड अपेरल मैन्युफैक्चरिंग, बैचलर एंड बिजनेस, BS टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, BS एंड QS चाइना मैनेजमेंट। उसके बाद जो BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एग्रीगेट बनता है, मतलब कि आपकी सिलेक्शन कैसी होती है, ठीक है, उसमें FSC जो है इंजीनियरिंग काउंसलिंग एंड टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में जो है ना आपके एटलीस्ट जो है ना FSC प्री इंजीनियरिंग में 60% से मार मार्क्स होने चाहिए, A-level विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, ठीक है। डिप्लोमा होल्डर भी इन रिलेटिव फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम विद फिजिक्स एंड मैथ, ठीक है, 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद जो है जो मेरिट कैलकुलेशन क्या होती है, 10% मैट्रिक, 45% इंटरमीडिएट और 45% जिन फील्ड में एंटी टेस्ट रिक्वायर्ड है वो पे आपने नेट नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना उस वो आपने देना होगा, 45% उसकी जो वेटी है। उसके बाद BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, मेरिट जो है मैट्रिक के 35% और इंटरमीडिएट के 65% वेटी है, ठीक है, इसका एंटी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद BS अपेरल मैन्युफैक्चरिंग 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है, और इसकी जो वेटी है वो मैट्रिक के 10%। मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई करने के लिए आपके जो 10% मैट्रिकुलेशन, 45% इंटरमीडिएट, 45% एंटी टेस्ट की वेटी है। उसके बाद बैचलर ऑफ एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल BS इन टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ठीक है, BS इन टेक्सटाइल एंड मैनेजमेंट मार्केटिंग में अप्लाई करने के लिए 45% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके, इंटरमीडिएट में ओ लेवल और 3 लेवल में, मैट्रिक, ठीक है, क्राइटेरिया 100% वेटी जो होगी इंटरमीडिएट की, ठीक है, टेस्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जो नंबर ऑफ सीट्स है वो आपके सामने है, ठीक है, BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डेट्स के लिए पूरे पाकिस्तान से 14, पंजाब 57, सिंध 9, रूरल एरिया 16, खैबर पख्तूनख्वा 14, बलोचिस्तान 9, इस्लामाबाद टेरिटरी 3, फाटा 18, ट्रिबल एरिया 1, आज़ाद कश्मीर 4, डिसेबल पर्सन 1, नॉर्थन एरिया 3, ओरिजिन स्टूडेंट, ये से मिला 151 सीट्स हैं, ठीक है, और पाकिस्तान बेसिस फीमेल 4 सीट, पंजाब 9, सिंध अर्बन 1, सिंध रूरल 2, खैबर पख्तूनख्वा 1, बलोचिस्तान 1, फाटा आज़ाद कश्मीर 1 सीट है। इस तरह जो सेल्फ की सीट्स मिला के जो टोटल जो है ना 200 सीट्स बनती हैं, ठीक है, तो उसमें जो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ ऐसे ही BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BScS, BSIT, BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, BS एडमिनिस्ट्रेशन, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और BS आर्ट्स में 45 सीट्स है और BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 40 सीट्स है। उसके बाद इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग काउंसिल और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में फर्स्ट सेमेस्टर फीस 79,350 है और 47,000 जो है ना सेकंड की है और एंड वाले सेमेस्टर की 52,000 है। उसके बाद हॉस्टल की लिए और फर्स्ट सेमेस्टर 19,500 है, बाद की उन सेमेस्टरों की 14,500 है, ठीक है। उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है BS पॉलीमर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, उसमें जो BS टेक्सटाइल एंड अपेरिंग मैनेजमेंट, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, क्वालिटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 93,100 है और लास्ट सेमेस्टर का 65,750 है, ठीक है। इसका जो
उसके बाद बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी बी एस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बी एस आर्ट्स बी एस एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया डिज़ाइन का फीस स्ट्रक्चर 99,100 है 100 है और बाकी सेमेस्टरों का 66,750 है और लास्ट मैटर का 71,750 है। उसके बाद जो क्लोथिंग मेरिट है आप जिस भी फील्ड का चेक करना चाहते हैं आल पाकिस्तान का ओपन और सेल्फ का ठीक है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उसका मेरिट क्या है। ठीक है, अब एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 अगस्त है। ठीक है, जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे आपको जो एडमिशन प्रोसीजर है एन टी यू वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट है एडमिशन एन टी यू एजुकेशन बी के। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन एडमिशन ओपन, ठीक है, या इसे प्रोस करेंगे तो जिस भी फील्ड में आप एडमिशन करना चाहते हैं ठीक है उसका एलिजिबल क्राइटेरिया आप चेक करें, अप्लाई करने का चेक करें। उसके बाद कराची कैंपस में बी एस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पॉलीमर इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ फैशन आर्ट्स बी एस टेक्सटाइल मैनेजमेंट और मार्केटिंग के डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जाता है कराची कैंपस में। ठीक है, उसके बाद जो जिस भी चीज़ का आप एलिजिबल क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं जिस भी फील्ड का। उसके बाद जो है ना एट अ टाइम आप 4 फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं प्रेफर करना चाहता हूँ बी एस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को फर्स्ट पे, उसके बाद बी एस पॉलीमर इंजीनियरिंग को सेकेंड पे, बी एस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को थर्ड पे, बी एस अप्लाई मैन्युफैक्चरिंग को फोर्थ पे। उसके बाद वो ओपन मेरिट और क्लोज मेरिट को भी ऐसे ही प्रेफर कर सकते हैं, मतलब एक स्टूडेंट एट अ टाइम 4 जो है ना डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन कर सकता है। उसके बाद अपन अपना नाम लिखना, लास्ट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह ये सब कुछ फिल करने के बाद, ठीक है, थैंक यू फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो है ना आपने अपने जो फर्स्ट मैट्रिक का जो है ना सब कुछ लिखना है, मतलब कि मैट्रिक का नंबर, मार्क्स, सब कुछ। उसके बाद एफएससी का रिजल्ट वेटिंग। उसके बाद जो है ना आपने अपनी जो है ना पिक लगानी है, ठीक है, जैसे उन्होंने दी है वैसे ही अपने ब्लू बैकग्राउंड ये एक दफ़ा पढ़ लेना, उसके मुताबिक जो है ना पिक लगाने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है कि आपने ये पढ़ लेना है और इधर टिक कर देना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास एक ऐसा जो है ना नोटिफिकेशन आएगा, यू हैव ऑलरेडी रीड, मतलब आपने सब कुछ पढ़ के और आप अपनी जो है ना एप्लीकेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं कन्फर्म करके ही आपने क्लिक कर देना। उसके बाद एक दफ़ा इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर है आपका, ठीक है, इससे ही आपने प्रिंट का चलान लगाना है, 2000 चलान होगा, चलान की फ़ी सब प्रोग्राम के लिए अलहदा से चलान की फ़ी होगी, सेल्फ के लिए अलहदा से, ओपन मेरिट के लिए अलहदा से। उसके बाद प्लीज़ एंटर योर प्री चलान फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटर्ड, ये वो ही है कि जब आप चलान फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो आपकी फर्दर जो है ना प्रोसेस जो है ना कम्प्लीट होगा। उसके बाद बर मेहरबानी ये दफ़ा पढ़ लीजिएगा हर डिग्री, ये मैंने वो ही आपको बता दिया कि एक स्टूडेंट जो है ना एट अ टाइम 4 डिग्री प्रोग्राम में जो है ना एडमिशन करवा सकता है और हर का अलहदा से अलहदा चलान फॉर्म होगा, ये वो ही एक दफ़ा आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है प्रिंट चलान निकलाना है, 2000 फी है इसकी, प्रिंट चलान निकलाने के बाद 2000 आपने फीस जमा करवानी है। ठीक है, उसके बाद जो है ये फोटो कापीज डॉक्यूमेंट्स विल बी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये जो अटेस्टेड फोटो कापीज़ है ना डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अटैच करनी है। ठीक है, ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट, एफएससी वगैरह का, मैथ, उसके बाद डोमिसाइल, बे फॉर्म, फी स्लिप वगैरह, ठीक है, 26 अगस्त से पहले पहले, और आपने जो है किधर इसको सबमिट करवाना है, ये चलान फी है। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दो मियाँ रखें।